का एक्सपर्ट के कमाई वाले दमदार शेयर यानी पावर प्ले सेगमेंट का। और हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, कुणाल वोथरा हैं और नुरेश मेहरानी जी हैं। नुरेश जी, सबसे पहले आप बताइए दो टॉपिक अगले डेढ़ घंटे के लिए क्या है। तो सबसे पहले बाय रहेगा अशोक लेलैंड पर, जहां पे एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, नया 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉप लॉस होगा 184, टारगेट होगा 200 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा गेल इंडिया पर, जहां पे एक रीटेस्ट हो चुका है 115 का जो ब्रेकआउट था उसका, और रिवर्सल दिखाई दे रहा है लास्ट दो दिन में, स्टॉप लॉस होगा 115 का और टारगेट होगा 125 का। ठीक है, तो ये नुरेश जी की राय, यहां पर आपको नजर रखना है। चलिए अब कुणाल जी का रुख करते हैं। कुणाल जी बताएं आपकी नजर का। धन्यवाद शुभ इनवाइट करने के लिए। गेल पे मैं भी बुलिश रहूंगा। मेरा मानना है कि स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल बन सकता है लॉन्ग्स इनिशिएट करने के लिए। तो ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ से रख सकते हैं 124 का, स्टॉप लॉस 112। और सेकंड रहेगा बाय HCC पे। आज स्टॉक ने बहुत दमदार प्राइस परफॉर्मेंस दिया है, बट सबसे ज़्यादा खास बात है कि स्टॉक ने एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आज इंडिकेट किया है 22-22.5 के लेवल्स को ब्रेक करके। तो 22.5 लेवल्स के स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए मैं बाय सजेस्ट करूंगा HCC पे, 25.5 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से। ओके, यानी HCC और गेल दो टॉपिक कुणाल जी की तरफ से, और अशोक लेलैंड और गेल नुरेश जी की तरफ से थी। नीलेश जी आप बताइए आपके दो टॉपिक कौन से होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि ऑटो स्पेस पे फोकस है, अशोक लेलैंड हमारे भी रडार पर है, एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड में ऊपरी स्तर पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो हमको नजर आते हैं वो है 195 के, 184 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये होगी पहली प्रीफर्ड बेट अशोक लेलैंड। उसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, ये दूसरा काउंटर होगा जहाँ पे एक पॉजिटिव मूव लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छे इजाफा देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 1070 का होगा, उसके बाद थोड़े से पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू 1100 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना होगा 1015 का। ठीक है, तो नीलेश जी की राय यहाँ पर आती हुई पिरामल एंटरप्राइजेस पर, और इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं किरण जी का। किरण जी आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। तो M&M के ऊपर आप ध्यान रखिए, ऑटो में जिस तरह से रिकवरी लास्ट आवर में हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर हो गया, M&M हो गया, कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं। M&M अभी 1525 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरडे के अंदर हम देखेंगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दो दिन पहले हुआ था, वहां से एक हम रीटेस्टिंग करके स्टॉक में आज एक फॉलो बाइंग देख रहे हैं। सो 1525 के आसपास स्टॉक चल रहा है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 1550 के हमारे टारगेट्स है, और 1504 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंजरा में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो वीगार्ड का है। वीगार्ड अगर हम देखोगे तो कहीं ना कहीं 295-298 के आसपास का जो ब्रेकआउट है 303 चल रहा है अभी, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो BTST काइंड ऑफ भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। वीगार्ड 300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 320 के टारगेट है एंड 290 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वीगार्ड के अंदर। वीगार्ड और M&M दो टॉपिक किरण जी की तरफ से, लेकिन चलिए